गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 7 ऑफ SST। द चैप्टर नेम इज़ द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, ग्रीनलैंड। इसके बारे में, इसके लोकेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था, फिर मैंने आपको क्लाइमेट इसकी बताया था। क्लाइमेट्स बताने के बाद मैंने आपको वेजिटेशन भी पढ़ाया था। अब इसके आगे से मैं वाइल्ड लाइफ से कंटिन्यू करूँगी आज। The animals found in Greenland have thick coats of fur which helps them to survive the harsh winters. And the animals found in Greenland, ग्रीनलैंड में जो भी एनिमल्स पाए जाते थे, have thick coats of fur. उनकी जो फर होते थे, जो रोएं होते थे, वो क्या होते थे, काफ़ी thick coated होते थे, काफ़ी मोटे होते थे। विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव द हार्श विंटर, जो कि उन्हें ज़्यादा ठंड में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होते थे। सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड ऑन द आइलैंड इंक्लूड रेनडियर, पोलर बियर, मिंक, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वुल्फ्स, आर्कटिक हेयर एंड सील्स, वुल्फ डॉग। क्या बताया जा रहा है, सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड ऑन द आइलैंड इंक्लूड, इस आइलैंड में कौन कौन से जानवर पाए जाते थे, रेनडियर पाए, पोलर बियर, मिंक, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वुल्व्स, आर्कटिक हेयर एंड सील्स पाए जाते थे। वुल्फ डॉग्स कॉल्ड हस्कीज आर आल्सो, वुल्फ डॉग्स कॉल्ड हस्कीज आर ऑल्सो फाउंड इन ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड में वुल्फ डॉग्स, जिनको हस्कीज के नाम से भी जाना जाता है, वो भी पाए जाते थे। दे आर यूज फॉर हंटिंग एंड पुलिंग स्लेजेस। स्लेजेस मीन्स होता है आपका बैलगाड़ी की तरह होता है, जो कि बर्फ में चलाने के काम में आता है, वो कैरिंग किसी भी चीज़ों को, कैरिंग कोई सामान है कैरी करने के लिए, या लोगों को ट्रैवल करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो दे आर यूज्ड फॉर हस्कीज़ का यूज़, हस्कीज़ यहाँ देखिए ये डॉग्स जैसे देखने में लगते हैं, हस्कीज़ किस लिए यूज़ में आते थे, हंटिंग के लिए यूज़ में आते थे, और स्लेजेस को पुल करने के लिए भी हेल्पफुल होते थे। कम ऑन नेक्स्ट पेज। सी बर्ड्स सच एज पेट्रेल्स, गल्स एंड पफिन्स आर फाउंड इन ग्रीनलैंड। ये सारे बर्ड्स के नाम हैं, ये कौन कौन से, पेट्रेल्स, गल्स, पफिन्स जो हैं वो ग्रीनलैंड में पाए जाते थे। आर्कटिक टर्न अ स्मॉल सी बर्ड, एक स्मॉल सी बर्ड जिसका नाम है आर्कटिक टर्न, फ्लाइज टू ग्रीनलैंड इन समर, जो कि ग्रीनलैंड में गर्मियों में उड़ती हैं, एंड माइग्रेट्स टू द साउथ पोल इन द विंटर। और माइग्रेट्स में दूसरी जगह पर जाकर के बस जाना माइग्रेट्स कहलाता है। टू कम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेट्स। तो एंड माइग्रेट्स टू द साउथ पोल इन विंटर, और ठंडियों में साउथ पोल में जाकर के बसती हैं। द सी अराउंड ग्रीनलैंड इज होम टू मैनी स्पेसीज ऑफ फिश लाइक ट्राउट, सामन एंड कॉड। क्या है, द सी अराउंड द ग्रीनलैंड इज होम टू मैनी स्पेशीज ऑफ, ग्रीनलैंड का जो सी है, जो समुद्र है, वहाँ वो कई सारी फिशेस की प्रजातियों के लिए फेमस है। जैसे कौन कौन सा, ट्राउट। गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास। ट्राउट, सामन एंड कॉड। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैं रिमाइंड करा देती हूँ आपको फिर से। आज मैंने वाइल्ड लाइफ पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ग्रीनलैंड, जो कि बहुत ठंडी जगह होती है, वहाँ पर जानवरों का जो फर होता है, जो रोएं होते हैं, वो काफ़ी थिक कोटेड होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, जो कि उनको ठंडी से बचाने में मदद करते हैं, सर्वाइव करने में मदद करते हैं। और हमारे आइलैंड में, ग्रीनलैंड आइलैंड में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, रेनडियर, पोलर बियर, मिंक, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वुल्फ्स और आर्कटिक हेयर पाए जाते हैं, सील्स पाए जाते हैं, और वुल्फ डॉग्स को, जो कि हस्कीज कहलाते हैं, वो ग्रीनलैंड में बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं। किस लिए, वो हंटिंग के लिए फेमस हैं, और पुलिंग स्लेजेस, बैलगाड़ियों को, जो गाड़ियाँ बर्फ में चलती हैं, उसे हम स्लेजेस कहते हैं। स्लेजेस को चलाने के लिए हस्कीज की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती थी।
फिर मैंने आपको बताया कि सी बर्ड्स कोई कोई वहाँ पर ग्रीनलैंड में कौन कौन से पाए जाते थे, पेट्रेल्स, गल्स, मफिन्स, ये सारे ग्रीनलैंड में पाए जाते थे। आर्कटिक टर्न, और फिर क्या बताया मैंने कि ग्रीनलैंड के सी में, समुद्र में कुछ फेमस बर्ड्स सॉरी फिशेस पाई जाती थी, कौन कौन सी, ट्राउट, सामन एंड कॉड। और यहाँ पर एक बर्ड बहुत फेमस थी जिसका नाम था आर्कटिक टर्न, जो कि एक स्मॉल सी बर्ड थी, वो कि गर्मी में ग्रीनलैंड में आकर के रहती थी और माइग्रेट्स मीन टू कम फ्रॉम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, माइग्रेट्स मीन्स होता है, तो वो क्या करती थी, विंटर में जा कर के साउथ पोल में रहने लगती थी। इकोनॉमी, द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर मेनली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग, और ग्रीनलैंड के जो लोग थे वो मोस्टली फिशिंग पर डिपेंडेंट थे, फिशिंग उनका इकोनॉमी का साधन था, उनका व्यवसाय था, ट्रेड था। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इनकम कम्स फ्रॉम द फिशिंग इंडस्ट्री, और ज़्यादातर इनकम उस देश की फिशिंग से ही आती थी। फ्रोजन कैन फूड एंड ड्राइड एंड स्मोक्ड फिशेस फिश आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड, और वहाँ पर फिशेस इतनी ज़्यादा पाई जाती थी, उसका इतना ज़्यादा व्यापार होता था कि उसके वजह से वो अलग अलग तरीके से, यानी फ्रोजन कैन में फिशेस को डाल करके, उनको ड्राइड करके डाल करके, स्मोक फिशेस को डाल करके उसको एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों में। एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस बाय अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया जहाँ की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कूल होती है वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं पाई जाती। वेजिटेशन मीन्स आपको होता है वनस्पति, पेड़ पौधे, तो उसी तरह यहाँ ग्रीनलैंड में भी ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए यहाँ की एग्रीकल्चर यानी कृषि आपकी बहुत, उसका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम पाई जाती है। दिस इज़ ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन विच डू नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये कृषि बहुत कम हो पाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो जलवायु है, वो क्रॉप्स को, फसल को सपोर्ट नहीं करती है। लाइफ ऑफ द पीपल, द नेटिव और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड इन्यूट्स। इनहेबिटेंट्स मीन्स किसी जगह पर रहने वाले लोगों को हम इनहेबिटेंट्स कहते हैं। तो क्या बताया, द नेटिव और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को हम इन्यूट्स के नाम से जानते थे। दे यूज़ टू लिव इन स्नो हाउसेज कॉल्ड इग्लूज। इग्लूज आप सब जानते हैं, बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। तो वो इन्यूट्स कहाँ रहते थे, बर्फ के घरों में रहते थे, जिन्हें हम इग्लूज के नाम से जानते हैं। इग्लूज आर डोम शेप्ड हाउसेज विद अ सिंगल ओपनिंग। इग्लू क्या है, डोम शेप का हाउस है जिसका एक सिंगल ओपनिंग है, एक ही रास्ता है अंदर जाने का। इन समर दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ एनिमल स्किन, और गर्मियों में वो क्या करते थे, एनिमल स्किन का, एक जानवरों के स्किन का एक टेंट बनाते थे और उसी में वो रहते थे। दीज टेंट्स आर कॉल्ड टू पिग्स, और ये टेंट्स जो थे वो टू पिग्स के नाम से जाने जाते थे। द साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज द वार्मेस्ट पार्ट एंड देयर फॉर द मोस्ट पॉपुलस पार्ट ऑफ द कंट्री। द साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के जो साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट है वो हमेशा गर्म रहता है, वार्मेस्ट पार्ट है, देयर फॉर द मोस्ट पॉपुलस पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पार्ट है कंट्री का। कौन सा पार्ट, साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि वहाँ ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को इन्यूट्स कहते हैं, वो इग्लूज में रहते थे, और जो एनिमल स्किन को टेंट बना करके रहते थे उसे कहते हैं टू पिक्स। फिर क्या है, द ग्रीनलैंड इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस, ग्रीनलैंड बहुत ही ठंडा प्लेस है। पीपल वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ फर टू विच हुड्स आर अटैच्ड। सॉरी, ऊपर का एक पैरा छूट गया है। द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड यूज हार्पून्स टू हंट सील्स। पीपल ऑफ ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग यूज़ करते थे हार्पून्स। हार्पून्स मीन्स होता है भाला,
लंबा सा एक डंडा होता है, नीचे उसमें तीर के आकार का एक ऐसे एरो बना होता है जो कि यूज होता है आपका मछली को पकड़ने के लिए। ऐसे होता है, उसको मछली पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम देखिए यहाँ लिखा है हंट सील्स, सील्स को पकड़ने के लिए द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड यूज हार्पून्स, इस तरीके का भाला यूज़ करते थे ग्रीनलैंड के लोग। किस लिए? टू हंट सील्स, सील्स को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, वॉलरसेस का शिकार करने के लिए और वेल्स का शिकार करने के लिए यूज़ करते थे। दे ऑल्सो कैच फिश, और इससे वो फिशेस को भी पकड़ते थे। फिश फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट, ग्रीनलैंड के लोगों का डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट था फिश, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिश वो वहाँ खाते थे वहाँ के लोग। इट इज़ एक्सपोर्टेड एज वेल, और उतना ही ज़्यादा उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था दूसरी कंट्रीज़ में। दे इम्पोर्ट अ नंबर ऑफ अदर फूड आइटम्स ऑल्सो, और वो अलग अलग तरीके के खाने के आइटम्स को भी इम्पोर्ट करते थे। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।